जुस्तुजु है गुनाहों की, लोग सवाब से डरते हैं। जुस्तुजु है गुनाहों की, लोग सवाब से डरते हैं। अफसोस से आज बिनते हुआ हिजाब से डरती है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا। जनाबे सदर सामईन इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़-ओ-शायरी का मौका दिया गया है वो है हिजाब की अहमियत। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मैंने आप सबके सामने छोटी सी कुरान की आयत पेश की जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी, अपने बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करे, ये ज़्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाए और ना सताई जाए। बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अजीज सामईन इकराम, हिजाब के मायने पर्दा करने के है। हिजाब से मुराद ये है कि औरत अपने मुकम्मल जिस्म को ढापे और महरम के सामने बेपर्दा होकर ना जाए। सामईन इकराम, फिर कुरान में अल्लाह पाक ने नबी और मुसलमानों को मुखातिब करके उनकी औरतों पर पर्दा करवाने का हुक्म क्यों दिया? जनाबे सदर और सामईन इकराम, ज़रूरत इस बात की है कि यह समझा जाए, इस्लाम कोई कैद नहीं बल्कि ज़िंदगी को आसान बनाने का तरीका है और हिजाब में 8 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, हिजाब मुकम्मल हो। नंबर 2, जीनत वाला ना हो, बिल्कुल सादा हो। नंबर 3, पतला ना हो, बारीक भी ना हो। नंबर 4, टाइट ना हो। नंबर 5, खुशबू वाला ना हो। आजकल की नौजवान लड़कियां परफ्यूम मारकर बाहर निकलती है, ऐसी औरत के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो जानी है, वो जानी है, वो जानी है। वो औरत जानी है जो परफ्यूम मारकर बाहर निकलती है, ऐसी औरत को जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। नंबर 6, छोटा हिजाब ना हो। नंबर 7, काफिरों की तरह ना हो। नंबर 8, शोहरत के लिए ना हो। जो औरत शोहरत के लिए यानी लिबास दिखाने के लिए पहनती है तो अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया, कयामत के दिन उसको जिल्लत भरा लिबास पहनाएगा। अब मैं एक शेर कहकर अपनी तकरीर पूरी करना चाहती हूँ। कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेगी, कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेगी, बेटियाँ उम्मत मुसलमा की कभी पर्दा न छोड़ेगी। अस्सलामु अलैकुम।